मेरा बंदा कॉटन दा से। बच्चे कितने ने? बच्चे ने ना कोल भैन भरा कोई भी नहीं हैगा? रिश्तेदार? एक मुंडी कुड़ी नाल दोसी को नाला से। अच्छा, मिलने से तरस नहीं आए? मैं आ गई हां। याद नहीं आंदे? तरस नहीं आंदी तन्नू बच्चियां दे? मैनूं नहीं आंदी है। की तन्नू बाहर दा माहौल तन्नू की अच्छा लगदा है? हां जी। क्यों परेशान हो? घर से भाग के आई हो? क्यों भाग के आई हो? वजह क्या थी घर छोड़ने की? क्या मसला था? मेरा बंदा कॉटन दा से। कॉटन दा सी? शादीशुदा है? हां जी। कितने बच्चे ने? दो बच्चे ने। दो बच्चे ने? किथे हैगा सी घर तेरा? मतलब तू ठीक नहीं है? कि अरसा हो गया घर छड़ के आई? 3 साल हो। 3 साल? 3 साल? 3 साल कितने सड़कों पर गुजार रही है? रोड पर, फुटपाथ पर? की सीन? माँ प्यो है ने? भैन भरा ने? फोत हो गए? सारे फोत हो गए? माँ प्यो नहीं है? नहीं है। भैन भरा कोई भी नहीं है? रिश्तेदार? मेरी आंटी से उन्होंने नहीं रखा है, मैं इधर आ गई जी। आंटी? आंटी कितने? वो शेखपुरे रहती है। शेखपुरे? सही बोल। शेखपुरे रहती है? शेखपुरा? अच्छा, आंटी शेखपुरा। तो आंटी का घर भी छड़ के आ गई है? कंगले ने इत्थे सारे फुटपाथ ते नशा करदे ने, आइस नशा करदे ने, पाउडर पींदे ने, इन्हां दे नाल इत्थे रहनी है? नहीं, मैं दादा साहब अंदर लैंदी है, सास बाद में बाहर आ जाने, शाम अंदर हो जानी है। रात नूं अंदर चली जांदी है, उत्थे सोंदी है, सुबह दे टाइम बाहर आ जांदी है। हां जी। ते बाहर किथे रहनी है? फुटपाथ ते ही? हां जी। ए कंगलियां दे कोल, नशियां दे कोल? बंदा बंदा तेरा सही सी, बच्चे तेरे बंदे? अपना बंदा छड़ के, बच्चे छड़ के तू आ गई है सड़कां ते, गलत नहीं है ना भाई? वो भी नहीं गड़ है, वो लगया से छड़न दी वजह की सी? एक मुंडी कुड़ी नाल दोस्ती करे नाला से। अच्छा, मिलने से तरस नहीं आए? मैं आ गई हां। कुड़ी नाल दोस्ती की थी? हां जी। तेरे को बर्दाश्त नहीं होया? नहीं। ते तू छड़ता? बच्चे भी छड़ते ने? सिर्फ उस कुड़ी नाल दोस्ती दी वजह तो घर बैठ के कोई ओदा हल नहीं कढ़िया तुसी? नहीं। बच्चे याद नहीं आते? 3 साल हो गए कुड़ी मुंडे? हाँ जी। बच्चे याद नहीं आते? आते ने वो, फिर वो नहीं आते? मामा प्यो नहीं आते ना मेनू? नहीं, पापा नहीं, वो भी नहीं आते? मेरे बंदा नहीं आते? बच्चे देंदे है? सोहरा तेरा? हाँ जी। वो नहीं देंदे? वो नहीं देंदा? ते किवें देवे? तू बच्चे छड़ के आ गई है, खामन छड़ के आ गई है, ते फिर तेन किवें बच्चियां नाल मिलन देवे? तू बाहर आके नशियां नाल सोनी है, नशियां दे नाल रहनी है, हैं? बंदा तू छड़ के आ गई है, बच्चे छड़ के आ गए, तेनू फिर दोबारा किवें बच्चियां नू मिलन देवे? ए भाई, दम आया मैं तेरे नाल, ए तो जीना ते मरना, मैं नहीं जाना है। नशा केड़ा करनी है? मैं कोई नशा करदी नहीं। कोई नशा नहीं? नहीं। फिर किवें इत्थे बाहर की लैण आई है तू? नशियां दे नाल बहनी है, उठनी है, खलोनी है, उन्हां दे नाल फुटपाथ ते ही सो जानी है, लम्मे पै जानी है, कम ठीक तो नहीं ना है? अपने दो बच्चे छड़ के, दो जिगर के टुकड़े छड़ के तू आ जानी, जिन्हों 9-9 महीने तू पेट च पाले है, ढिड च रखे है, हैं? याद नहीं आते? तरस नहीं आती तेन बच्चे? मैंने नहीं आती है। हूँ नहीं आते? हूँ नहीं याद आते? तरस भी नहीं आता अपने बच्चों को? नहीं आता। नहीं आता? बच्चे किन्नी उम्र देने? एक 4 साल, एक 5 साल। यानी कि तू वो माँ है, तेन बच्चों तरस नहीं आता है? तेन जरा तरस नहीं आता अपने बच्चों के, कि तू पालिया ढिड च रखिया उन्होंने 9 महीने, हैं? उन्होंने जमया, फिर जम के तू सुट दिया, उन्होंने सुट गया, तू बंदा भी छड़ के आ गई है, बच्चे भी छड़ के आ गई, कितनी गलत गल है। कि तेन बाहर का माहौल तेन की अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा लगता है। इसका मतलब शर्मों की तरह मुझे जवाब दे रही है, हाँ जी बाहर का माहौल मुझे अच्छा लगता है और बच्चे छोड़ के आ गई हूँ, ये हालात है जी। पूछने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है। शौकत साहब बताएं ज़रा, क्या हम जब बार बार दिखाते हैं, यकीन माने हम ये इंटरव्यू इसलिए करते हैं कि ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है बार बार, और यहाँ पर नशा जब फुटपाथ पर सरेआम होगा, सरेआम यहाँ पर आइस पियेंगे दाता साहब के फुटपाथों पर, और पुलिस उनको कुछ कहेगी नहीं, पुलिस उनको रोकेगी नहीं, इदारे उनको रोकेंगे नहीं, तो यकीन माने क्राइम बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्राइम बढ़ेगा
एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ पर सरेआम कत्ल भी होने लग पड़ेंगे, क्योंकि नशेई को तो कुछ पता ही नहीं होता, और बल्कि हो भी रहे हैं। नशेइयों को क्या होता है, वो पहले से नशे में एडिक्ट होते हैं, आइस का नशा कर रहे होते हैं, आठ आठ दिन वो जाग रहे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, पागल हुए होते हैं अंदर से। वो किसी को मार भी दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास आईडी कार्ड तक नहीं होता, तो जेल भी नहीं होती उनको। तो ये हालात है शोकत साहब, क्या बताएंगे, ये क्राइम कैसे ख़त्म होगा और एसएचओ साहब इस क्राइम को कैसे ख़त्म करेंगे? साथ ही लॉयर माल एसपी साहब बैठते हैं, एसपी साहब को ये नज़र नहीं आता ये क्राइम यहाँ पर सरेआम हो रहा है? सबसे पहली बात ये है कि ये मेरी बहन ये कह रही है कि मैं तीन साल से कामों की से लाहौर आ गई, अपने बच्चे छोड़ के, अपना खामन छोड़ के। इसका मतलब ये औरतों को बदनाम कर रही है। ये बदनाम है ना, अभी इसको इतनी बेशर्मों की तरह मुझे जवाब दे रही है, मुझे याद नहीं आ रहे, मुझे बाहर का माहौल अच्छा है। नशा करती है या दो नंबर धंधा करती है, इसके बारे में अब क्या कहें? ये शर्म आती है हमें बार बार ये बातें कहते हुए कि ये अपने बंदे को भी छोड़ रही है, अपने बच्चों को भी छोड़ रही है, और तीन साल से ये सड़कों पर है। तो इसका मुतलका थाना जो है वो इसके ठेकेदार तो नहीं है ना, उसने तो नहीं कहा इसको घर पे छोड़ के आओ, कानून नाफिज करने वाले द्वारा तो नहीं कहते? और अपनी कानून नाफिज करने वाले ये तो कर सकते हैं ना, जो इनका काम है, ये जो नशा यहाँ पे करते हैं इनको तो पकड़ सकते हैं, इनको रोक सकते हैं, मंशियात का खात्मा कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते? वो ठीक बात है, लेकिन जब निशानदेही होती है वो अपनी हरकत में आते हैं। तो पहली बात ये है कि इसकी अपनी गलती है, इसने अपना खामन छोड़ा, ये खामन को गलत कह रही है कि वो किसी और लड़कियों के साथ तल्लक था। इसका कितने मुद्दों के साथ तल्लक है, ये तीन साल पे सड़कों पे है, इसे पूछो। ये खुद गलत है, खुद गलत है, खुद गलत है। और ऐसे औरतें जो हैं वो छोड़ के आ गई हैं तो समझ लो मौलिया निशान है, औरतों की बदनामी करती है ये ऐसी लोग, औरतें जो होती हैं औरतों की बदनामी करती हैं ये। इनका माशरे में रहना अच्छा नहीं है, नहीं माशरे में ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि हम इसलिए दिखाते हैं कि ये क्राइम रुक नहीं रहा, क्राइम को कैसे ख़त्म करेंगे, पुलिस वालों का काम है इनको ख़त्म करना। यकीन माने आप यहाँ से नशेइयों का सफाया कर दें, नशे का खात्मा कर दें, ये औरतें खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएंगी, क्योंकि ये नशे में एडिक्ट हैं, ये आइस का नशा करते हैं यहाँ पे बैठ के, पाउडर पीती हैं उनके साथ बैठ के। जब यहाँ से नशा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर नशा बिकना ख़त्म हो जाएगा, तो ये लड़कियाँ भी ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और ये क्राइम भी ख़त्म हो जाएगा। इतनी पाक हस्ती है मेरे सामने यकीन माने, और इसके बाहर सब बेशर्मों वाला काम हो रहा है, बेहयाई और इतनी बेशर्मों वाला काम हो रहा है। कभी फुटपाथ पे लड़का लड़की सो रहे होते हैं रातों को जफ्फियाँ डाल के, यकीन माने फाशी का अड्डे फुटपाथों के ऊपर बन गए हैं। तो ये क्राइम तो हम तो दिखाते रहेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे पुलिस को अच्छा लगे या बुरा लगे, एसपी साहब को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो दिखाते रहेंगे भाई ये, जब तक इसका खात्मा नहीं होगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।